सुप्रभात अगस्तिस, कैसे हैं आप? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बिल्ली चलो, जैसे नारों से भारत का बच्चा बच्चा अवगत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो मरकर भी अमर हो गए। आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताती हूँ। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ। पिता जानकी नाथ बोस कटक के एक नामी वकील थे। अपने बहन भाइयों में सुभाष चंद्र बोस सबसे छोटे थे। विदेश से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी स्वीकार नहीं की। फिर देश बंधु चितरंजन दास के सेवा दल में कप्तान बन गए। वीर गरम दल के नेता थे। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने पर उन्होंने इनका विरोध किया तो अंग्रेज सरकार ने इन्हें जेल में डाल दिया। जब भी कोई विद्रोह होता तो अंग्रेज सरकार इन्हें जेल में डाल देती। बार बार जेल जाने से ये बीमार हो गए तो अंग्रेज सरकार ने शर्त रखी, अगर तुम भारत छोड़ दो तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। पर सुभाष चंद्र बोस ने उनकी शर्त नहीं मानी। सन 1942 में वे जापान चले गए और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों के खिलाफ खुली लड़ाई छेड़ दी और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली अब दूर नहीं है, जय हिंद। लोगों ने नेताजी का भरपूर साथ दिया। औरतों ने आभूषण को दान कर दिया। लोगों के हृदय में उनके लिए एक गहरा प्रेम और आदर था। 12 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय सुभाष चंद्र का वायुयान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस दुर्घटना में इस जोशीले स्वतंत्रता सेनानी का देहांत हो गया। इस महापुरुष ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान कर दिया। इन्हें मरोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत की जनता कभी नेताजी के ऋण से मुक्त नहीं हो सकेगी। जय हिंद।